तो दोस्तों, औरंगाबाद के जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ औरंगाबाद को, उसमें एलोरा के उसमें आया हूँ। तो जो गुफा नंबर 30 से 34 हमने एक्सप्लोर कर ली है, तो उसके बाद हम अभी आ गए गुफा नंबर 29 पे। ये सेकेंड एपिसोड है मेरे वीडियो का। तो एलोरा का ये सेकेंड एपिसोड में मैं 29 गुफा है तो इसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, ये पूरी बहुत ही लंबी गुफा है। यहाँ से एंटर करना है और कुछ इस साइड पूरी वहाँ तक ये फैली हुई है। तो ये बेसिकली हिंदू, मतलब वो गुफा नंबर 30 और 34, 32, 34 थी, वो जैन गुफा थी। तो ये हिंदू देव देवताओं की गुफा है, तो इसी में हम एंटर कर रहे हैं। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं गुफा नंबर 29। बहुत ही बड़ी लग रही है मुझे, तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी है ये। तो यहीं पे कुछ बड़े 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 मुझे मूर्तियाँ देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां है ये। तो ये कुछ मुझे विष्णु लग रहे हैं ऐसे, तो कुछ इस टाइप का है। और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो कोई कोई मूर्तियों पे चढ़ते हैं और कुछ भी करते हैं, तो वो ऐसा करना बहुत ही, यहाँ पे ऐसा करना नहीं है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। देखो ये हाथ में कुछ गले और तलवार इन सब लगा हुआ है, पता नहीं कौन सी मूर्ति है ये। कोई देवी की लग रही है मुझे, देव देवता की मूर्ति लग रही है। बहुत ही बड़ी है, इट इज ह्यूज, बहुत ही बड़ी है दोस्तों। तो कुछ इस टाइप की है, बढ़िया बड़ी मूर्ति। जब आप एंटर करते हो तभी आपको ये देखने के लिए मिलेगी, पहले ही दरवाजे के पास। तो इस साइड ये मूर्तियाँ और मेरे पीछे ये मूर्तियाँ। तो ये कुछ नई मूर्ति की तरफ आ गया हूँ मैं। ये तो बहुत ही बड़ी यूज मूर्ति है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मूर्ति मेरे कितनी दूर है तो भी इतनी बड़ी दिख रही है। तो आप देख सकते हो तो कितनी बड़ी मूर्ति है ये। तो कुछ इस टाइप की मूर्ति है ये, उसके 6 हाथ है। तो आई थिंक ये विष्णु, मतलब मुझे लग रहा है विष्णु जी की मूर्तियाँ है। तो वो आगे सेंटर में, जब भी आप एंटर करते हो उसके सेंटर में ही एक बहुत बड़ा मंदिर है और मूर्तियाँ है। देख सकते हो मेरे पीछे कितना बड़ा है यहाँ पे। तो जा रहा हूँ अंदर, तो मैं बहुत ही बड़ी मूर्ति है। तो ये कुछ शिवलिंग है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, भगवान भोले, बहुत ही बड़ी शिवलिंग है ये। और देखता हूँ मैं अंदर जाने की कोशिश, मतलब बहुत अंधेरा तो दिख रहा है। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा भगवान है, चारों तरफ मूर्तियाँ है बड़ी बड़ी, और बीच में है शिवलिंग, सेंटर में शिवलिंग है। और इसके आजू बाजू ये पूरी मूर्तियाँ है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, यहाँ पे शिवलिंग है भगवान बोले। और ये इतनी बड़ी ह्यूज मूर्तियाँ। और ये इस साइड में नहीं जा रहा हूँ, अंधेरा भी है और चमगादड़ का आवाज़ भी आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स है और पिलर्स पे भी सब, यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई है। तो ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, यहाँ पे इस साइड में, वहाँ पे, तो ऐसे अलग अलग पिलर्स पे अलग अलग मूर्तियाँ बनाई है। और मेन सेंटर में भगवान शंकर, भगवान भोले। तो हम जा रहे हैं नेक्स्ट गुफा की तरफ, मतलब गुफा तो 29 ही है, पर नेक्स्ट जो है उसकी तरफ जा रहे हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो बहुत ही बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं। तो ये कुछ नंदी है, नंदी भगवान यहाँ पे ऊपर है, पता नहीं विष्णु ही लग रहे हैं मुझे, तो विष्णु जी। तो आई थिंक शंकर भगवान भी हो सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बड़ा सा स्ट्रक्चर, और ये भगवान है। तो चलो, तो दोस्तों 29 में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। तो यहाँ का आपको व्यू दिखा देता हूँ। इस साइड में ये सब गुफा हमें कवर करने की है, तो यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। बट यहाँ से स्ट्रेट देख सकते हो आप, नीचे कुछ नदी जैसा दिख रहा है। तो जा रहे हैं हम आगे की तरफ, और वो सामने की जो गुफाएं हैं तो उसको एक्सप्लोर करेंगे हम, ये वाली। तो चलो, सो दोस्तों इसी रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ।
वहाँ पे केव से, तो गुफा नंबर 29 है ये, तो उसको ही कैप्चर कर रहा हूँ मैं। तो गुफा नंबर 29 के आगे जाते हुए कुछ इस टाइप का देख सकते हो, पीछे तालाब साइड तालाब टाइप का आता है, तो उसी को करते करते आगे ऊपर भी देख सकते हो आप, बहुत बड़ा है, पत्थर भी है सब, तो उसी पे चल रहा हूँ आप। इस रास्ते से हम ऊपर जाएंगे और केव को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम उस साइड वहाँ पे थे, तो वहाँ से आए हैं हम यहाँ पे, यहाँ से आगे जाएंगे। तो कुछ इस टाइप का साइन बोर्ड, तो यही है केव्स जो वहाँ से हमें दिख रही थी, उस साइड से दिख रही थी। तो वहाँ से ऐसे चलते हुए हम यहाँ पे चढ़ के कुछ यहाँ पे आए हैं। तो बाहर ही कुछ हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ देख सकते हो आप। तो ठीक है, देखते हैं क्या है, खाली है क्या। बेसिकली कुछ इतना दिख नहीं रहा है, खाली खाली है। तो एक यहाँ पे, यहाँ पे भी पूरा अंधेरा है, यहाँ पे भी खाली है। आई थिंक मूर्तियाँ तोड़ दी गई है, पता नहीं। चलो जाते हैं अगले गुफा की तरफ। तो दोस्तों, बातों की बातों में मुझे लगा था केव नंबर 29 पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट वहाँ से यहाँ तक आए तो ये केव नंबर 26 की तरफ हम आ गए हैं। तो बातों की बातों में हम केव नंबर 26 पे आ गए। तो ये कुछ केव नंबर 26 है, यहाँ पे लिखा है 26 ये, और उसमें ही शिव भगवान जो महादेव है बोले, तो उसकी महादेव की लिंग है, तो उसको ही देखते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं केव नंबर 26। तो यहाँ पे भगवान बोले कि शिवलिंग है, और भगवान बोले को प्रणाम कर देता हूँ, नमः शिवाय। तो यहाँ पे शिवलिंग आप देख सकते हो, वो केव नंबर 29 में भी बड़ी सी शिवलिंग थी, यहाँ पे भी 26 में शिवलिंग है। तो बेसिकली ये हिंदू देवी देवताओं का ही मंदिर, मतलब गुफा है, जो जैसा कि हमें बताया गया था। तो ये आप चाह सकते हो तो उसका सर्कल में घूम सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो। तो एक सामने खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं चढ़ के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे भी खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे भी। तो ये ध्यान भजन करने के लिए हो सकता है जगह छोड़ी गई हो। तो बढ़ते आगे की तरफ। सो दोस्तों, बेसिकली 26 करने के बाद 25 आता है, बट 25 में हमने बाहर से देखा ये 25 है, तो इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। तो उसकी जगह पे हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से ऊपर भी देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे 24 आ सकती है गुफा, तो देखते हैं ऊपर जाने के बाद किस टाइप का व्यू है। तो हम तो जा रहे हैं 24 की तरफ, मे बी 24 ही होगा, और कुछ ऊपर से खड़ी चढ़ाई करने के बाद हमें गुफा की तरफ आगे जाने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये है गुफा नंबर 23 और इसके ऊपर है 24। तो पहले 23 में जाएंगे, फिर 24 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये है 23, 23 में जा रहे हैं हम। चलो बढ़ते आगे की तरफ। यहाँ पे लिखा भी है गणेश गुफा समूह 23, पर कुछ दिख तो नहीं रहा है अंदर, मूर्ति नहीं है अंदर। तो ठीक है, आगे की तरफ जा रहे के। तो ये शिवलिंग था, तो पता नहीं खंडित कर दिया गया है, दिखाता हूँ ये, तो पता नहीं ये सही है कि गलत, तो देखते हैं। खंडित कर दिया गया है, ये मुगलों ने, जब मुगल का आक्रमण हुआ था तब ये सब गुफाओं पर अटैक करके उन लोगों ने यहाँ का, मतलब यहाँ का, यहाँ पे तहस नहस करना चाहा था, और तहस नहस भी कर दिया है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत खंडित कर दी है, जला दी है, ऐसा सब किया है। तो चलो गुफा नंबर 24 की तरफ। जैसे कि आपको मैंने बताया, गुफा नंबर 24 ऊपर की तरफ है, तो हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं यहाँ से, गुफा नंबर 24 की तरफ। तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ, और आई थिंक ये यहाँ से टॉप व्यू आएगा। जब आप गुफा नंबर 24-23 के पास आओगे, तो यहाँ से पूरा अपनों को व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं।
गुफा नंबर 24 शिवलिंग दिख गया मुझे। तो दोस्तों ये गुफा नंबर 24 और ये भगवान शिव वो दिख रहा है कि पता नहीं, रुक जाओ। तो ये भगवान शिव है और पीछे आई थिंक भगवान विष्णु ब्रह्मा दिख रहे हैं मुझे, तो कुछ इस टाइप का है। तो भी शिवलिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी खंडित कर दी गई है पर तो भी अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, देखो यहाँ पे शिवलिंग को तोड़ दिया गया है। तो ये मुगलों ने बेसिकली भारतीय हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए इस टाइप की ओछी हरकत की है, तो भी वो लोग कुछ कर नहीं पाए। तो बाकी के स्पॉट खाली है आई थिंक, यहाँ से सब तोड़ फोड़ के ले गए वो लोग। तो इसीलिए गुफा नंबर 24 में दो शिवलिंग है, एक खंडित है। ऐसे कुछ आवाज आ रहा है इसके साथ, गुफाओं में से चमगादड़ों का आवाज बहुत आता है। तो ये है गुफा नंबर 23 24। बैटरी दोनों डिस्चार्ज हो गई, तीसरी बैटरी लग गई। ओके।